अंदर जाने की परमिशन नहीं है, हमने ट्राई किया। और राइट गाइस, सो जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि हम लोग बड़ी राइड का प्लान कर रहे हैं, मगर उससे पहले शॉर्ट राइड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट राइड में आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी आपके साथ कितना साथ देगी बड़ी राइड में। सो इस शॉर्ट राइड को कुछ लोग कहते हैं कि वार्म अप राइड, जब भी बड़ी राइड होती है तो उसके पहले जो छोटी छोटी राइड्स की जाती है तो उसको वार्म अप राइड भी कहा जाता है। सो वही वार्म अप राइड या फिर शॉर्ट राइड हम कह सकते हैं वो आज करने जा रहे हैं। सो उससे पहले वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज सागर योर बॉय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ठानेकर सागर ब्लॉग। तो सीन्स कुछ ऐसे है कि हम लोग ने प्लान तो किया है बड़ी राइड का, एंड उससे पहले छोटी राइड करना भी ज़रूरी होता है, एंड हमको पता चल जाएगा कि क्या नीड को इम्प्रूव करना है। एंड सो अगर बड़ी राइड करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना आ जाए, तो वही सब फिगर आउट करने के लिए ये छोटी राइड्स करने वाले हैं। एंड मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ और भी बंदे हैं। सो आपको मिलाऊंगा उन बंदों से। उससे पहले अभी बज रहे हैं 4:30, 6 o'clock का हम लोग का जो मीटिंग पॉइंट है वो है शिलफाटा में। यहाँ से मेरे घर से अराउंड 1 घंटे का डिस्टेंस है शिलफाटा तक। सो हाफ एन आवर हमारे पास है। सो राइडिंग जैकेट एंड नीगार्ड तो मैंने निकाल लिया है, एंड हल्की हल्की सी नींद है, और हल्की हल्की सी नींद को अगर हमको निकालना है तो चाय के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो चाय बनाएंगे। सो चाय के भी सीन्स कुछ ऐसे है। और राइट गाइस, सो चाय हमारी बन चुकी है, एंड बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि चाय ऐसे नहीं बनाते, इसको पानी अच्छे से उबालना होता है, देन उसमें चाय पाउडर और शुगर डालना होता है, फिर उसको अच्छे से उबाल के देन मिल्क डालना होता है। सो दिस इज़ अ शॉर्टकट वे टू मेक अ चाय। अगर आपको जल्दी जाना हो तो आप ऐसे भी चाय बना सकते हो। सो डायरेक्टली मिलता हूँ आपको बाइक पे। और राइट गाइस, सो हम निकलने वाले हैं। एक्चुअली आई फॉरगॉट माय मोबाइल, तो वही लेने अभी घर पे गया था, एंड बाइक को कोट बूट किया है। अभी इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, मैप लगाएंगे, एंड देन वी आर गुड टू गो। गणपति बप्पा मोरिया। एंड ये जो लाइट्स लगाई गई है फॉग लाइट्स, इसका अभी मैं जलवा दिखाता हूँ। इट्स अ नॉर्मल लाइट, आप देख सकते हो ये रोड पे, ये रोड पे हम लोग टेस्ट कर सके, पूरा अंधेरा है, तो ये नॉर्मल लाइट है, और ये मैंने चालू कर दी। यो उजाला ही उजाला। जो लोकेशन है वो मैं आपको जाते जाते शेयर करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा वैसे तो आपको थंबनेल एंड टाइटल से पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बट स्टिल सस्पेंस खेलने में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। जो ब्रिज है जो भिवंडी से आगे आता है, एंड ये ब्रिज के नीचे से आप कल्याण जा सकते हो, तो ये ब्रिज के आगे हमें मिलना है। एंड ये लाइट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, एंड यहीं पे कहीं अपने बंदे होंगे। या 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 और ये खूबसूरत सा मौसम सनराइज होने वाला है मेरे राइट हैंड साइड में। अगर आप देख पा रहे हो तो हल्की सी ऑरेंज कलर की शेड आपको ये नीचे के पैच में दिख रही होगी। एंड हम कहाँ जा रहे हैं अभी हम रिवील कर देते हैं। सो वी आर गोइंग टू द इगतपुरी, और इगतपुरी में कहाँ जाएंगे वो तो हम जाने के बाद आपको बताएंगे। सो टिल देन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद सम ब्यूटीफुल म्यूजिक।
ऑलराइट गाइस, सो हमने कसारा घाट क्रॉस कर दिया है एंड अभी हम जा रहे हैं, मैंने बताया नहीं ना आपको कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग जा रहे हैं म्यांमार गेट जो इगतपुरी में है। और गेट पे मैं भी तो पहली बार जा रहा हूँ, हमारे जो बाकी के पंटर लोग हैं वो तो पहुँच चुके हैं म्यांमार गेट पे एंड हम भी नेक्स्ट 5 मिनट्स में वहाँ पे होंगे। एंड बहुत ही अच्छा कसारा घाट है एंड वेदर भी बहुत ही अच्छा खासा प्लेजेंट है अभी भी। एंड पब्लिक रोड पे है, मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, बहुत सारे राइडर्स देखे, अच्छा लगा कि पब्लिक रोड पे है अगर थोड़ा प्रिकॉशंस लेके रहिएगा। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली वी रीच एट म्यांमार गेट एंड बिकॉज ऑफ द कोविड अंदर जाने की परमिशन नहीं है। हमने ट्राई किया जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको कि अंदर जाने के कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या, मगर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अंदर नहीं जा सकते। एंड हमें ही नहीं, विजिटर्स को ही नहीं, यहाँ के लोकल लोगों को भी वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो बॉयज़ आर हियर, सबका मूड ऑफ हो चुका है। सो अभी इतने दूर आए तो थोड़े सिनेमैटिक शॉट आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो अपना थोड़ा सा पोपट हो जाने के बाद एटलीस्ट वो अंकल इतने अच्छे थे कि उन्होंने गेट खोल के, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे गेट खोल के एक दो पिक्स निकालने दीजिए और उन्होंने दिया, तो बहुत ही अच्छे अंकल थे। एंड अभी हम जा रहे हैं, दे दिए, प्लीज़ प्रमोट माई फ्रेंड सागर खानेकर।